लगातार आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन के बारे में बहुत सारी बातें चल रही है। आईपीएल 2025 के बारे में बहुत सारी बातें चल रही है लगातार कि केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट छोड़ देंगे क्या, एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग को 2025 में भी खेलते हुए नजर आएंगे क्या, रोहित शर्मा ये सबसे बड़ी न्यूज है, क्या रोहित शर्मा 2025 में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। लगातार लोग व्यू छापने के लिए पता नहीं किस तरीके क्या क्या कमेंट किए जा रहे हैं और तमाम तरीके के वीडियो अभी जो पोस्ट डालेंगे सुबह कुछ और डालते हैं, शाम को कुछ और, दोपहर में कुछ और, तमाम तरीके का चीज़ें चल रही है। लेकिन एक बात मैं जो क्लियर बता दूँ ये है कि रोहित शर्मा के बारे में अभी भी कुछ भी कन्फर्म नहीं है। ना तो ये चीज़ कन्फर्म है कि लखनऊ के साथ जाएंगे, ना ये कन्फर्म है कि दिल्ली कैपिटल्स के साथ वो जाने वाले हैं, और ना ही ये चीज़ कन्फर्म है, बिल्कुल मैं जो एग्जैक्ट बात बताने जा रहा कि वो मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे। लेकिन ज़्यादातर जो पॉसिबिलिटी नज़र आती है वो है कि मुंबई के साथ वो लगातार खेलते चले आ रहे हैं, मुंबई के साथ वो 2025 में भी खेलते हुए नजर आने वाले। और एक ये भी चल रहा है कि शायद लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ उनकी जो बातें चल रही थी वो चीज़ें भी क्लियर नहीं हुई हैं। तो ना तो वो लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ जाने वाले हैं, वो दिल्ली के साथ भी नहीं जाने वाले। रोहित शर्मा जो है वो मुंबई के लिए ही खेलने वाले हैं। आईपीएल 2024 आपने देखा होगा कि जो आईपीएल 2024 चल रहा था तब जो अभिषेक नायर थे जो मुंबई के लिए खेलते हैं और रोहित शर्मा की टीम में थे, लोकल उनके सहपाठी हैं जो लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट एक ही टीम के लिए खेलते हैं मुंबई के लिए, जहां तक अभिषेक नायर का सवाल है और रोहित शर्मा का, तो ये चीज़ें लीकेज हुई थी। कहा गया था कि रोहित शर्मा शायद आईपीएल की जो फ्रेंचाइजी है मुंबई उसको छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रोहित ने बोला था स्पष्ट तौर पर कि मैं मुंबई के साथ रहा हूं, मैंने इसको बनाया है, ना सिर्फ मेरे लिए मुंबई बल्कि घर है, बल्कि मेरे लिए एक मंदिर से कम नहीं है। मैंने इस मुंबई इंडियंस के लिए 5-5 आईपीएल ट्रॉफी भी जीती है, ये रोहित शर्मा का कहना था। अगर आप इस कमेंट पर जाएंगे तो आप बिल्कुल स्पष्ट तौर पर क्लियर हो जाता है कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को छोड़ने वाले नहीं हैं। और शायद ये चीज़ भी बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी कि हार्दिक पांड्या जो कैप्टन होंगे तो रोहित शर्मा तैयार भी होंगे। अगर रोहित तैयार हो जाए तो यकीनन तौर पर मैं कह सकता हूं यहां पर, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर रोहित शर्मा चाहेंगे खेलेंगे इस टीम के साथ मुंबई के साथ, तो उस टीम में सूर्यकुमार यादव और जसप्रीत बुमराह को भी खेलने में कोई ऐतराज नहीं होगा, यकीनन तौर पर मैं बोल सकता हूं। कहीं पर भी आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, किसी न्यूज चैनल पर चले जाइए, टीवी, ये चीज़ें अफवाहें आपको लगेंगी, सारी चीज़ें जो अफवाहें हैं वो अफवाहें हैं। लेकिन मुंबई के साथ रोहित शर्मा खेलने वाले हैं, लगातार वो खेलते रहे हैं, आईपीएल 2025 भी रोहित मुंबई के साथ ही खेलने वाले हैं, ये चीज़ बिल्कुल एग्जैक्ट मान के ले चलिए आप। अगर कुछ चीज़ें होती हैं तो सबसे पहले हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन रोहित शर्मा आईपीएल 2025 कहीं और किसी टीम के साथ खेलने वाले नहीं हैं। भले हार्दिक पांड्या कैप्टन हो, सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह कोई भी हो, रोहित शर्मा मुंबई के लिए अपना आखिरी जो मुकाबला है अपने कैरियर का आईपीएल का वो मुंबई के साथ ही फिनिश करने वाले हैं। और जो रोहित शर्मा के फैंस हैं वो बिल्कुल भी घबराए होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, रोहित शर्मा कल भी मुंबई के साथ थे और आज भी मुंबई के साथ ही हैं।